हेलो भाई, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसा मैं हूँ राहुल राठौड़। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राहुल राठौड़ व्लॉग। अभी हम जो पहुंचे रमेश भाई के पास और ये जो पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, इससे पूछते हैं कैसे पैकिंग वगैरह करता है। इनकी शॉप पर आया है, ये अमरूदों की पैकिंग करता है, यानी कि अमरूद वगैरह बेचते हैं, अमरूदों को पैकिंग करते हैं, कच्चे अमरूदों को पाउडर वगैरह डालकर उनको पकाया जाता है। ये बाइक है और इधर शटर वगैरह देख सकते हैं। अंदर हम पहुँच चुके हैं और इस कंडे के ऊपर वजन वगैरह किया जाता है। ये रमेश भाई खड़े हैं। राम राम रमेश भाई, क्या कर रहे हो? ये ना अमरूदों की हम पैकिंग करते हैं, वैसे ना ये पक नहीं पाते, इसलिए ना हमें इसे पकाने के लिए थोड़ा सा फार्मूला होता है, वो फार्मूले के जरिए ना हम इसे पकाते हैं और इसे पैकिंग करते हैं, ताकि ये ना बूढ़े लोगों के लिए खाने के काबिल बन जाए और इसका कलर भी येलो हो जाता है, अच्छा दिखता है ये फिर ऐसे। और इसकी ये नहीं कि जायका ख़राब हो जाता है, जायका वही रहता है, जायका नहीं तब्दील होता है, इसका जायका वही रहता है, इसीलिए हम इसी तरह से इसे ना पकाते हैं। इसके अंदर अभी पैकिंग करनी है, इसके अंदर हमने पैकिंग करनी है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये माल ना जो देखिए कच्चा है, ये भी कच्चा है। जब हम इसकी पैकिंग करेंगे तकरीबन हम इसे 3 दिन के बाद चौथे दिन हम इसे खोलेंगे पैकिंग से, तब ये पता कैसा होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरा जो पहले पैकिंग किया हुआ माल है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, ये रहा पैकिंग किया, इसे अब 4 दिन हो गए हमें, हमने इसे ना सुबह खोलना है। ये देखिए ये भी कच्चा था और अब ये येलो कलर का हो चुका है और इसका जायका नहीं चेंज होगा, ये मीठा ही रहेगा। सही बात। तो गाइस ये है कच्चे अमरूद, इसके अंदर पैकिंग वगैरह हो जाएगी तो फिर ये इस तरीके से पक जाएंगे। इनका कोई फार्मूला जो भी हम दिखाते हैं आपको, पाउडर वगैरह डालेंगे और कच्चे अमरूद को पकाया जाएगा। तो रमेश भाई अभी काम कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पर न्यू है जो नहीं जानते, हम पाकिस्तान हिंदू, मेरा नाम राहुल राठौड़ है और रमेश भाई पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। आपको दिखाता हूँ कि अमरूद जो है किस तरीके से पकाया जाता है। यह है गाइस अमरूद, गाइस ये अमरूदों की अमृतन, गैस ये है अमरूद और ये कच्चे अमरूद है और हम कर रहे हैं इसकी पैकिंग। जब इसकी पैकिंग करके इसको उस तरीके से ढक कर रख देंगे तो ये पक जाएंगे और पीले हो जाएंगे। अभी देखते हैं ये कच्चे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यह है गैस कच्चा अमरूद, इसके अंदर इसको पैकिंग करेंगे, पैकिंग करने के बाद ये हो जाएगा और ये कच्चे अमरूद है। मैं आपको दिखाता हूँ इधर जो पके हुए अमरूद हैं उनको दिखाता हूँ कि उनका कलर देखें किस तरीके से होगा। ये देखें गैस ये हो गए हैं येलो, यानी कि पक चुके हैं, खाने के लायक हो चुके हैं और ये कच्चे हैं। इसकी अभी इस तरीके से पैकिंग करेंगे तो ये भी हो जाएंगे उस तरीके के, यानी कि खाने के लायक के हो जाएंगे। और बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है और तकरीबन 8-10 दिन से सूरज जो वो नहीं निकला और हम कर रहे हैं अमरूदों की पैकिंग, आपको दिखाते हैं साथ में साथ। ये सर्दी की वजह से नहीं पकते, ये वाला पाउडर है ना, इस पाउडर से पका जाता है, उसका कलर एक तो येलो हो जाता है, दूसरा के वो ना पक जाता है, जिससे बूढ़े आदमी भी उसे खा सकते हैं। तो गाइस ये आपने पाउडर जो पाउडर देख लिया, इस पाउडर हम डालते हैं इसके अंदर तो इससे अमरूद जो पक जाते हैं, जिससे जो ना बूढ़े आदमी और सबके खाने के लायक का अमरूद बन चुका बन जाता है। और अभी कच्चा जाएंगे खाने के लायक का नहीं, लेकिन जब जैसे पाउडर डालेंगे इसके अंदर पैकिंग करेंगे तो ये अमरूद पक जाएगा। तो अभी एक पेटी और लाए हैं, इसके अंदर भी इसको डालते हैं और इसकी पैकिंग करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और इसके अंदर हम पाउडर वगैरह डालेंगे, मुकम्मल आपको वीडियो दिखाएंगे। तो हम पाकिस्तानी हिंदू हैं तो ये अमरूद हम पैकिंग करेंगे, हमारा कारोबार है, इसका कारोबार करते हैं, इसको बेचते हैं पका हुआ, इसको ना पैकिंग वगैरह करके इसको खाने के लायक का बना कर फिर जो फ्रॉक करते हैं, जिस तरह बिकता है फिर उससे घर का गुजारा चलता है। तो आप मेरे कोट वगैरह और ये सब देख रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा सर्दी ना, आप क्या बताऊँ मोटी। तो भाई ये फार्मूला देख सकते हैं अमरूदों का, सबसे पहले इसको पानी में भिगोना पड़ता है पटास को, ये है केमिकल, इसको पानी में भिगो कर इधर दें।
तो गाइस देख सकते हैं 15-20 मिनट लगाने के बाद जो हमने पेटियां भर ली 15-20 मिनट लगाने के बाद ना, ये देख सकते हो सब पेटियां जो फाइनली भर चुकी है। अब इसको हम पाल देने वाले हैं, यानी कि इसकी पैकिंग मुकम्मल करने वाले हैं।